परंतु आप सबको मालूम है कि आज दुनिया के क्या हालात हैं। कर्फ्यू लगा है, इसको लॉकडाउन बोल रहे हैं, लॉकडाउन आपने लगाए हुए हैं, मतलब जनता लॉकडाउन है ये। परसों कलेक्टर और कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग में ये तय हुआ कि हम लोग जो है तो एहतियात करें। एहतियात करना इसलिए ज़रूरी है हमारे, क्योंकि आगे रमज़ान का महीना है। अगर अभी से हम लोग जो तो अच्छा काम कंट्रोल करेंगे, उसको सोशल डिस्टेंस रखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, मास्क पहनेंगे, बेमकसद बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारे लिए आगे फायदा होगा। जैसे ही कोरोना कंट्रोल में हो जाएगा तो हमारी इबादत गाहें खुली रहेंगी। अगर ये हार रहा तो इबादत गाहें बंद कर सकती गवर्नमेंट। तो हमारी ये गुजारिश है पूरी पूरी आवाम से कि बेमकसद रोड पे ना निकले, किसी को तकलीफ ना दे और दूसरों को भी तकलीफ ना दे और अपने घर वालों को भी तकलीफ ना दे। आप लोग बाहर निकलेंगे, आप बोलेंगे मैं ताकतवर हूँ, मैं घर में आएंगे, घर में बच्चे रहते, आपके माँ बाप रहते, ज़यीफ रहते, ये जो बीमारी आप बाहर से लेंगे घर में छोड़ेंगे, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन बच्चों को हुआ। तो आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अपने घरों में बैठिए, कुछ काम रहा तो निकलिए, बेमकसद बाहर मत निकलिए। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है कि आप बेमकसद ना निकलिए। हमारे को कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने बुला के हमारी सजेशन भी पूछे, हमारे को आपका क्या बोलना है। हमने यही बोले कि भाई देखिए हम अब कंट्रोल करेंगे, और उस दिन से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। माशाल्लाह से आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कम से कम कंट्रोल करके रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहे, बेमकसद बाहर ना निकले, बगैर मास्क के ना निकले, और सोशल डिस्टेंस रखे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोते रहे। कोरोना वापस आ गया है, ये दोबारा आ गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें साथ देना चाहिए हुकूमत का, और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके ऑपर चलना चाहिए। धन्यवाद। इजाज़ अली जैदी, ऑल इंडिया शिया प्रार्थना बोर्ड का मेम्बर हूँ मैं, और अंजुमन खादिमीन मासूमीन औरंगाबाद का सदर हूँ, और पीस कमेटी का मेम्बर।